हेलो एंड वेलकम बैक फ्रेंड्स, आज हम मटर आलू पुलाव कुकर में बना रहे हैं, जो झटपट बन जाता है। इसका स्वाद ऐसा जिसका जायका भुला ना पाओगे और खाने वाले हाथ ना रोक पाएंगे। तो चलिए कुकर वाली मटर आलू पुलाव की रेसिपी स्टार्ट करते हैं। हमने यहाँ पर एक ग्लास चावल को अच्छे से धो धा के 20 मिनट के लिए भिगाते रखे थे। 20 मिनट बाद हमने फ्लेम ऑन किए, कुकर चढ़ाया, उसमें 2 टेबलस्पून ऑयल डाले और 1 टेबलस्पून घी शामिल किए। जब तेल और घी गर्म हो जाता है तो इसमें हमें डालना है 1 टीस्पून जीरा। जब जीरा अच्छे से क्रैकल होने लगता है तो इसमें हमें सारे गरम मसाले शामिल करने हैं। यहाँ पर हमने 2 तेज पत्ते और कुछ हमने 2 इलायची, 4-5 लवंग और 4-5 काली मिर्च डाल के इसे क्रैकल होने दिया। जब गरम मसाले अच्छे से क्रैकल हो जाते हैं और अपने फ्लेवर्स ऑयल में रिलीज कर देते हैं तो इसमें हमें शामिल करना है 1 प्याज, जिसके हमें लंबा लंबा चॉप किए हैं। यहाँ पर प्याज हमें एकदम गहरा नहीं करना है, हमें सिर्फ उसे सॉफ्ट और लाइट पिंक होने तक फ्राई करके लेना है, सॉटे करके लेना है। जब ये सब अच्छे से फ्राई हो जाता है, सॉफ्ट और लाइट पिंक हो जाता है, तो इसमें हमें शामिल करना है लहसुन अदरक का पेस्ट। हमने इधर फ्लेम सिम कर दिए और लहसुन अदरक का पेस्ट, जिसे हमने क्रश करके रखा था, 4-5 लहसुन और 1 इंच का अदरक का पीस, इसे हमने फ्रेशली क्रश किया था। फ्रेंड्स, अगर हो सके तो फ्रेशली क्रश करके डालिए, इससे फ्लेवर्स बहुत इन्हेंस हो जाते हैं। जब ये सब अच्छे से सॉटे होता है और रॉ स्मेल इसकी निकल जाती है, तो हमें आधा टीस्पून हल्दी पाउडर और आधा टीस्पून मिर्ची पाउडर को फ्राई करके लेना है, जब तक इसकी कच्ची स्मेल चली जाए। अब इसमें हमें 1 टमाटर जो बारीक बारीक चॉप किया है वो डालना है। इसे अच्छे से फ्राई करके ले लीजिए और नमक डालिए ताकि कुकिंग प्रोसेस फास्ट हो जाती है। और हमने यहाँ पर 1 टीस्पून पाव भाजी मसाला डाला है। पाव भाजी मसाले से जो पुलाव है, मटर आलू पुलाव, बहुत ही अच्छा फ्लेवर देता है और बहुत ही अच्छा स्वाद आ जाता है। अब इस मसाले में हमने 1 बोल भर के हमारे जो फ्रेश हरे मटर जो सीजनल है वो डाले हैं। फ्रेंड्स, हमें एकदम मटर को ज़्यादा भूनना नहीं है, क्योंकि एज इट इज़ हम कुकर में बना रहे हैं तो बहुत जल्दी ये पक जाएंगे। अब इसमें हमें 2 मीडियम साइज़ के आलू के डाइस डाले हैं, इसे भी इसके साथ हमें भून के लेना है। जब ये 2 अच्छे से भून जाते हैं तो इसमें हमें चावल डालने हैं और चावल को इन सब चीज़ों के साथ भून के लेना है, ताकि सारे फ्लेवर्स इसके साथ आ जाए। तो इसलिए हमने यहाँ पर 1 ग्लास जो चावल भिगाते रखे थे वो शामिल किए। अब इसे अच्छे से हम भून के ले लेंगे। अब इधर हमने फ्लेम बड़ी किए है और भून के ले रहे हैं, ताकि जो तेल, घी, सारे मसाले हैं, जो पाव भाजी मसाला और बाकी के मसाले हैं और गरम मसाले हैं, वो अच्छे से भुने जाए। अब यहाँ पर हमने 1/2 लाइम को स्वीज किया है, एज इससे चावल बहुत खिले खिले हो जाते हैं और पुलाव का फ्लेवर अच्छा और चटपटा बन जाता है। इसे अच्छे से एक बार भून के ले लीजिए। अब इसमें हम डालेंगे हरी फ्रेश धनिया, ताकि इसके भी फ्लेवर्स इसमें आ जाए और एक जान हो जाए। अब इसमें हम पानी डालेंगे 1 ग्लास भर के और आधा ग्लास, एज 1 ग्लास चावल के लिए 1.5 ग्लास पानी कुकर में इनफ और सफिशिएंट है। अब इसे अच्छे से स्टर करेंगे और फिर हमें इस पर कुकर का लिड लगा देना है और सीटी ले लेनी है। तो अब ये सब अच्छे से हो गया है, पानी भी डल चुका है, अब हम कुकर बंद कर लेंगे। अब कुकर की हम विसिल की राह देखेंगे। यहाँ पर एग्जैक्ट 5-6 मिनट बाद पहली सीटी आ गई थी, तो हमने सिम फ्लेम किए और 1 सीटी ली, यानी टोटल हमें एग्जैक्टली 9-10 मिनट लग गए थे और ये एकदम झटपट और आसानी से हमारा पुलाव बन गया था।
जब तक हमारे कुकर का प्रेशर रिलीज होता है, हम अच्छा बूंदी दही वाला रायता बनाएंगे। एक कटोरी गाढ़ी दही हमने बड़े से मिक्सिंग बोल में डाल दिए और उसे हम विस्क करके लेंगे। जब ये अच्छे से विस्क हो जाता है तो इसमें हमें पानी शामिल करना है ताकि हमारी जो बूंदी है वो उसका पानी सोख कर देगी। तो हमें पानी डालना है और वापस उसे विस्क करके लेना है। अब थोड़ा सा और गाढ़ा लग रहा था तो हमने और थोड़ा सा पानी इसमें शामिल किए। अब ये परफेक्ट कंसिस्टेंसी बन गई है। इसे हम थोड़ा सा विस्क करेंगे और इसमें हम शामिल करेंगे बूंदी। तो इसमें हम बूंदी शामिल करेंगे और उसे 5-10 मिनट के लिए बंद करके रखेंगे। ऐसे तब तक सारी बूंदी पानी सोख कर लेती है। तो अब 5-10 मिनट के बाद हम इसका रायता बनाने की मसाले इसमें शामिल करेंगे। 5-10 मिनट बाद देखिए फ्रेंड्स, कंसिस्टेंसी एकदम परफेक्ट हो गई है। अब इसमें हम डालेंगे नमक। नमक आप अपने स्वाद के हिसाब से डालिए। और इसमें हमें डालनी है थोड़ी सी चीनी। यहाँ पर हमने थोड़ी सी पाउडर शुगर डाले है, ये ऑप्शनल है लेकिन टेस्ट बहुत अच्छा आता है। अब 1/2 टीस्पून मिर्ची पाउडर, 1/2 टीस्पून भुनी हुई जीरा का पाउडर और 1/2 टीस्पून हमने चाट मसाला डाले है। अब इन सब चीज़ों को हमें अच्छे से स्टर करके लेना है ताकि सारे जो फ्लेवर्स हैं वो एक साथ जम जाए। अब इसमें हम थोड़ी सी हरी फ्रेश धनिया शामिल करेंगे, इसे भी डालिए और एक अच्छा सा स्टर दे दीजिए। तो हमारा बहुत ही जायकेदार दही बूंदी रायता रेडी हो चुका है। अब फ्रेंड्स, यहाँ पर प्रेशर भी रिलीज हो चुका है और देखिए बहुत ही चावल खिले खिले बने हैं और बहुत मज़ेदार मटर आलू पुलाव रेडी हो चुका है। देखिए एकदम खिले खिले और परफेक्ट बना है और बहुत ही झटपट बन जाता है। एक ट्राई ज़रूर कीजिएगा। चलिए अब हम इसे सर्व करते हैं। फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ कि आपको ये झटपट बनने वाला मटर आलू पुलाव की रेसिपी बहुत ही पसंद आई होगी। तो प्लीज़ एक लाइक तो बनता ही है। फीडबैक देके बताइएगा आपको रेसिपी कैसे लगी। और नए हो चैनल पे तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। बाजू में बेल आइकन है, उसे दबा के ऑल पे क्लिक कीजिए ताकि नए नए वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहे। तो इसी तरह मिलते हैं आगे बहुत ही अच्छी और नेक्स्ट जायकेदार रेसिपी के साथ। टिल देन टेक केयर, थैंक यू एंड बाय बाय।